हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं 11 जुलाई 2022 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा है, दैट इज़ नो रेजोल्यूशन टू श्रीलंका क्राइसिस। ठीक, सो नाउ अगर इसके बारे में बात करते हैं तो आपको पता है श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहा है। ठीक, अब बेसिक हमें जो ये आर्टिकल मिला था, ये आर्टिकल मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है टू एम्फसाइज द क्राइसिस गोइंग ऑन इन श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ जो आपको पता होना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है श्रीलंका का स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो आपको अपने यहाँ के प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, बीट आर्टिकल 52 या आर्टिकल 74, हमको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आई वांट टू टेल इज, श्रीलंका में क्राइसिस इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। ठीक, मान लीजिए श्रीलंका में आपको अब पता है सबसे पहले एक डेब्ट ट्रैप देखने को मिला था जो चाइना ने क्रिएट किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, सरकार ने बेसिकली कोशिश की कि वो अपने यहां जो भी इंपोर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, सरकार के यहां पैसे कमी पड़ रही तो हम क्या करेंगे, अगर हम इंपोर्ट कोई चीज कर रहे हैं तो हमें अपने यहां का फॉरेन रिजर्व देना पड़ेगा। तो सरकार ने जो इंपोर्ट में कमी की वो फर्टिलाइजर्स में कर दी। ठीक है, श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्टिलाइजर्स में कमी कर दी। ये जो फर्टिलाइजर में कमी देखने को मिल रही है, इससे इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुक गया। आपने अपने यहाँ के फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट में कमी कर दी, है ना, जो वन ऑफ द वाइटल पार्ट था, एंड उसकी वजह से एग्रीकल्चर आपका बेसिकली प्रोडक्शन कम हो गया एंड क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल गया। ठीक, तो एज अ मेजर ठीक है इंपोर्ट कम करते हैं, बट ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कम करना चाहिए जो बेसिक अभी बहुत ज़्यादा जिसका इंपैक्ट ना पड़े। इकोनॉमी वैसे ही आपकी बहुत स्लो डाउन में जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आपका देखने को मिल रहा है, आपका जो श्रीलंकन रुपी है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे आपका इन्फ्लेशन किसी तरह कंट्रोल हो, एंड ग्रोथ अगर नहीं भी दिख रही है तो एटलीस्ट जो भी आपकी पर्टिकुलर एक थ्रू द डेमोक्रेटिक अगर आप बात कर रहे हैं, थ्रू द कंट्री अगर आप बात कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा जो भी आपके लोग हैं वहाँ पर जो अराउंड द पीपल अगर आपको देखने को मिल रहे हैं उनको ईजी दाम में मुहैया हो जाए। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ये डिफाइन कर रही है कि हम ऑल पार्टी गवर्नमेंट बना दें, क्योंकि इतनी ज्यादा क्राइसिस है तो सारी पार्टीज एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे तो शायद लोगों का जो गुस्सा है वो शांत हो सके। ठीक, जो गोताबाया राजपक्षा जी की बात करते हैं तो उसके ऊपर लोगों ने आप एक बहुत ही मतलब ये भी एक अच्छी चीज नहीं है सजेशन कर रहे हैं, उनके हाउस में जाके आपने वीडियोज देखे होंगे, लोग नहा रहे हैं, उनका खाना यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल रही है। ये एक बहुत ही बड़ा स्लो डाउन एंड इकोनॉमिक कोलैप्स का टाइम आपको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो बेसिक कई टाइम से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल क्योंकि इंपॉर्टेंट था एंड वी हैव डिस्कस, इसलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। नाउ चाइना पाक बिगिन वॉर गेम्स ऑफ शंघाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, 4 दिन की नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। कहां पर, आपके शंघाई की कोस्ट में। तो शंघाई कहां पर है, उसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाइना एंड पाकिस्तान का रिलेशन हो जाता है इंडिया के टर्म्स में क्या बेसिक पार्ट है। इन बेसिकली पाकिस्तान ने क्या किया है, जो चाइना द्वारा बिल्ड किया गया था एक फ्रिजेट उसको इंक्लूड किया है ताकि वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन को दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ा सके एंड इंडियन ओशन रीजन में अपना जो स्ट्रांग होल्ड है उसको और ज़्यादा बेसिकली क्या कर सके, मजबूत कर सके, अपनी जो पोजीशन उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर सके। ये जो दोनों कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है, ये जॉइंटली डील कर रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट के साथ में। ठीक, पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी की बात करते हैं, ईस्टर्न थिएटर कमांड जो नेवी है, यहाँ पर आपको जो फ्रिजेट है जियांगटन ये देखने को मिल रहा है। कॉर्बेट की बात करते हैं शुआजाओ, आपकी शिप की बात करते हैं जिसकी सप्लाई आपको देखने को मिल रही है। ये सारी सो यही जो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी आपको ये आर्मी बेसिकली अगर आप देख सकते हैं, चाहे फ्रिजेट की बात करिए, कॉर्बेट की बात करिए, शिप्स की बात करिए, ये सारे इसमें क्या करने वाले, आपके फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, सबमरीन्स की, सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, चाइना की मिलिट्री एक्सपर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो जॉइंटली अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही है। ठीक है, सी लाइंस के ऊपर जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, जो एनर्जी गुड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक, इन सारी चीज़ को वो क्या करना चाह रहे हैं, शोकाश करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक वार्न ऑफ तरीके का आप ले सकते हैं कि अपनी एक्सरसाइज लोग इसीलिए दिखाते हैं कि बताने के लिए कि हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर अगर आप कह सकते हैं फ्रिजेट्स हैं, इतने सारे फाइटर जेट्स हैं, तो ये शोकाश किया जाता है अपनी पोटेंशियल का। एक्सरसाइज की बात करते हैं, सेकेंड एडिशन हो रहा है सी गार्जियंस का। ठीक, ये कब अगर आप देखेंगे, जो हुई थी जनवरी 2020 में, कब हुई थी, अरेबियन सी में, कराची के पास में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा सी गार्जियन का सेकंड आपको ये एडिशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे इसके पहले कहां पर हुआ था, अरेबियन सी ऑफ कराची में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स देख लेने हैं एंड कौन सी आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ पाकिस्तान नेवी की बात करते हैं,
तो इनका जो सेकंड टाइप का फ्रिजेट आपको देखने को मिल रहा है चाइना के द्वारा बिल्ड किया गया है। तैमूर की बात करते हैं, उसको भी डिलीवर कर दिया गया है लास्ट मंथ में, ठीक, वो भी इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करेगा। पहला टाइप था उसका नाम था तुगरिल, सेकंड जो टाइप है उसका नाम क्या रखा गया है, तैमूर रखा गया है। पाकिस्तान के एनवॉय की बात करते हैं चाइना में, तो यहाँ पर ये कहा गया है चाइनीज मीडिया डेट द कमिशनिंग ऑफ द फ्रिजेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल सिक्योरिटी पैराडिग्म ऑफ द रीजन। ये पाकिस्तान की नेवी की जो भी कैपेबिलिटीज है पर्टिकुलर रीजन में, इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है, आपको पता है ना, अभी कल भी हमने देखा था इंडियन ओशन रीजन में हम क्या कर रहे हैं, अपनी पकड़ को भी मजबूत बना रहे हैं, इंडिया को अपना बिमस्टेक की बात करते हैं, ठीक, इसके साथ में अपनी जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी अपने आसपास के इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज के साथ में, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स की बात करिए, ताकि यहां पर हम अपनी पोजीशनिंग को इंप्रूव कर सकें, ठीक, क्योंकि चाइना एंड पाकिस्तान अगर कवर कर लेंगे तो इंडिया को, एक तो आपको पता है कि वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट से खतरा देखने को मिल रहा है, इंडिया का जो साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट है वो भी खतरे में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक। सो इसीलिए ये लोग भी इंडियन ओशन रीजन में अपनी पावर को शोकास्ट करते हैं, इंडिया को भी जरूरत है इसको मजबूत करने की। जैन बाजवा की चाइना विजिट की बात करते हैं, ये जो ड्रिल है पर्टिकुलर ये फॉलो हुई है, पाकिस्तान चीफ जो आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद जी वो चाइना गए थे लास्ट मंथ, जहां पर इन्होंने चाइना के टॉप रैंक एक जनरल के साथ में बातचीत की थी। जनरल जांग की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन को, अपना जो कॉपरेशन है पाकिस्तान के साथ में उसको और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को उन्होंने कहा अनब्रेकेबल एंड रॉक सॉलिड, है ना। तो इंडिया को भी बेसिकली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, अपने साथ में क्या करना चाहिए, अपनी जो पोजीशन उसको और स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाहिए। अभी हम देखेंगे किस तरीके से श्रीलंका को क्या कर रहा है इंडिया, अपनी जितनी भी हेल्प हो सकता है उसको प्रोवाइड कर रहा है। सिटीजन्स फ्लॉक टू श्रीलंका पावर सेंटर, पावर सेंटर की बात करते हैं, सबसे पहला तो आपने देख लिया प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट की बात करते हैं, तो वहाँ पर पूरा का पूरा क्राउडिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही टर्मोइल टाइप सिचुएशन है। ये सिर्फ इसलिए दिया गया कि मेन सेंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको साइड लेके चलेंगे। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेंसेज आपको देखने को मिल रहे थे, गोताबाया के फॉर्मर जो होम था वहाँ पर आपको बहुत ही अजीब तरीके के, है ना, लोग खाना पका रहे हैं, कुछ लोग बेसिकली शावर ले रहे हैं, कुछ लग्जरी काउस पे बैठे हुए हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर पहले कोई जाता नहीं था वहाँ पर अब बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं गो होम गोता, गो गोता जेल, ठीक है, तो उनको जेल भेजो, उनको घर भेजो, ठीक। एक नए एरा की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट जिसका एंट्रेंस पहले प्रोटेस्टर्स के द्वारा बेसिकली क्या किया गया था, ऑक्यूपाई किया गया था काफ़ी महीने तक, आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पब्लिक पार्क देखने को मिल रहा है, जो एक कार्निवल दिख रहा है, एक तरीके का फेस्टिवल लगेगा कि भाई कोई फेयर वेयर कोई मेला वाला लगा हुआ, वहाँ पर सारे लोग चले आ रहे हैं प्रेसिडेंशियल हाउस में, मेला लगा दिया कि आओ भाई देखो, है ना, अपने आराम से रहो, लग्जूरियस हाउस में रहो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यही चीज़ें इस आर्टिकल में पर्टिकुलर मेंशन की गई थी, ठीक। नाउ इंडिया वोज सॉलिडेरिटी विद श्रीलंका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को क्या करना, अभी हमने देखा क्योंकि चाइना पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं, तो इंडिया को भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है, ठीक है। हर आर्टिकल एक दूसरे से लिंक ही दिखेगा, लिंक देखोगे ज्योग्राफी फिजिक्स से लिंक है, फिजिक्स आपकी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से लिंक हो जाती है, तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लिंकिंग दिख जाएगी, है ना, कुछ भी मैम ने बोल दिया, फिजिक्स को पॉलिटिक्स से लिंक कर दिया। चलो आस्क्ड इफ न्यू दिल्ली वाज अराउंड अबाउट एन इन्फ्लक्स ऑफ श्रीलंकंस टू इंडिया अमिड द क्राइसिस, मिस्टर जयशंकर जी की बात कहते हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्या इंडिया की, इंडिया में क्योंकि रेफ्यूजी आपको देखने को मिलेंगे, अब श्रीलंकंस अगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो श्रीलंका मूव होके कहाँ आएंगे, इंडियन इंडिया में आएंगे, तो जयशंकर जी से पूछा गया है, जयशंकर जी कौन है मुझे बताइएगा, ये है ना बम बम बोले जी पार्वती जी के हस्बैंड, नहीं 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 कोई तो है जयशंकर जी मुझे बताइए, तो उनसे पूछा गया कि आप परेशान है इस बारे में, इस क्राइसिस जो भी श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी फिलहाल कोई भी रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं देखने को मिल रही, मतलब इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत सारे रेफ्यूजीज इन्फ्लक्स हो जा रहे हैं एक साथ। इंडिया की बात करते हैं तो जो पीपल ऑफ श्रीलंका है उनके साथ में इंडिया अभी भी खड़ा है, उनकी एस्पिरेशन की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, वैल्यू के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू उसको इंडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है। मिस्टर बाक्षी जी की बात करते तो उन्होंने ये भी ऐड किया है कि इंडिया ने अभी भी फिलहाल $3.8 बिलियन का जो सपोर्ट है श्रीलंका को प्रोवाइड कर दिया है 2022 में, किस लिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तौर पे, कि इंडिया अगर सबसे पहले सपोर्ट करेगा किसको करेगा, अपने पड़ोसी को करेगा, ठीक है। संडे की बात करते हैं तो उस दिन इंडिया के जो हाई कमिश्नर है कोलंबो में गोपाल बागले जी ने, वो श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर महिंदा अमरावीरा से मिले हैं, क्यों मैंने अभी आपको पहले ही इसलिए क्लियर आउट कर दिया था,
कि श्रीलंका ने क्या किया, इम्पोर्ट को थोड़ा सा रोकने के लिए कि फॉरेन रिजर्व बाहर जाए, इंडिया इकोनॉमी को, श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बेसिकली क्या कर सके, लिमिट में रख सके, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, फर्टिलाइजर्स को, फर्टिलाइजर्स की बात करते तो उसके इम्पोर्ट को रोक दिया जिससे एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, उनको 44,000 मेट्रिक टन्स का यूरिया सप्लाई किया है, ठीक, क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड करते हुए ताकि हम फार्मर्स को भी हेल्प कर सके। एंड वहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो मेन अगर आप पार्ट कह सकते हैं उसको कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन को क्या हम कर सकें, जितना ब्रॉड कर सकते हैं उतना ब्रॉड कर सके। इंडिया के ऑफिशियल पोजीशंस की बात करते हैं, मिरर्स द स्टैंड टेकन बाय गवर्नमेंट इन मे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर पीएम महिंदा एंड कैबिनेट आफ्टर फेलिंग टू कंटेन द इकोनॉमिक डाउनटर्न। जो भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आपको देखने को मिल रहा है उसमें इंडिया क्या करना चाह रहा है, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। इट वॉज नीडेड, कोलंबो पोर्ट अगर आपको याद होगा क्या इशू था, इसको एक बार देखिए जरा कि कोलंबो पोर्ट की अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में, उसमें चाइना का क्या रोल था एंड इंडिया का क्या रोल था, कुछ तो था, श्रीलंका ने कुछ धोखेबाजी करी थी, क्या करी थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। नाउ ब्रिक्स मीडिया ग्रुप्स लुक्स टू बूस्ट, ठीक है, फिर अभी हमने देखा ब्रिक्स की बात करी थी, बिम्स्टेक की बात करी थी, अब बेसिक आते हैं अपने ब्रिक्स पे। प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स यानी जो ब्रिक्स आपके कंट्रीज हैं, ठीक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसके जो प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स हैं वो फ्राइडे को मिले हैं, ठीक, बेसिकली किस चीज के लिए कमिट हुए हैं, ताकि वो स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज क्रिएट कर सके एंड जो नए कॉमन चैलेंज आ रहे हैं COVID-19 के बाद में, आप रशिया का जो यूक्रेन में इन्वेजन हुआ है उसके बाद में जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उससे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन किया गया है। ये जो एक्शन प्लान रिलीज़ किया गया है ये आपके फिफ्थ ब्रिक्स मीडिया फोरम के तहत क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया। अब ध्यान रखिएगा जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसके जो प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर एक फोरम बनाते हैं। ये फोरम आपका 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपके इन पाँचों कंट्री के थ्रू आते हैं। द हिंदू आप देख सकते हैं, ब्राज़ील का CMA ग्रुप, रशिया का स्पुतनिक, चाइना का जी हुआ, साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंट मीडिया, इन सब ने मिलकर 2015 में इसको लॉन्च किया था। एक्शन प्लान क्या है, कमिटेड टू सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग ब्रिक्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स। अब आप बेसिकली क्या करेंगे, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ट्रेन करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है उसको एक्सप्लोर करेंगे, स्मार्ट कंटेंट किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, स्मार्ट ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सैटेलाइट न्यूज़ कैसे हो सकती है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंकर्स को कैसे आप बेसिकली मीडिया में इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आपका ये जो एक्शन प्लान है क्या है इसको रिलीज किया गया है, ठीक। चाइना की बात करते हैं, ये बेसिकली इस साल ब्रिक्स का चेयर है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की जी की बात करते हैं, लास्ट मंथ इन्होंने 14th जो ब्रिक्स की लीडर समिट थी उसको वर्चुअली क्या किया था, लीड किया था, होस्ट किया था, एंड इसमें हमारे प्रेसिडेंट मोदी जी ने, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने ब्रिक्स के बाकी लीडर्स के साथ में बेसिकली पार्टिसिपेट किया था, अटेंड किया था। जी हुआ की बात करते हैं, उन्होंने मीडिया फोरम को इस साल क्या किया है, होस्ट किया है, फ्राइडे की वर्चुअल गैदरिंग में बेसिकली 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे 170 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक, लगभग 73 डेवलपिंग कंट्रीज के जो बेसिकली मेंबर है इसमें क्या हुए थे, इंक्लूड हुए थे। नाउ पीरियड ऑफ टर्बुलेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज न्यू पीरियड ऑफ टर्बुलेंस एज वेल एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड देख सकते हैं, म्यांमार की मिलिट्री कूप की बात करिए, श्रीलंका के क्राइसिस की बात करिए, रशिया यूक्रेन की बात करिए, तो आपको एक टर्मोइल देखने को मिल रहा है, एक ऐसा समय देखने को मिल रहा है जब टर्बुलेंस भी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग ही पीक पे है वहां पर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है। ये एक टाइम है जहां पर बहुत सारा आपको चेंज देखने को मिल रहा है, पैंडेमिक का भी बेसिकली अगर आप देखेंगे उसका भी आपको इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसके तहत भी देखने को मिल रहा है, एंड पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन को भी हम किसी तरह कंट्रोल करना चाहेंगे। ब्रिक्स पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यहां पर जो 14 ब्रिक्स समिट हुई थी, ठीक, सिंस जून 2009 में, इसमें बहुत ही हाईली पॉजिटिव फोर्स दिखाया गया था एंड एक स्पेशल पार्ट दिखाया गया था इन पर्टिकुलर पार्ट का कि हमको किस तरीके से शो करना है। इसमें ये कहा गया कि ब्रिक्स एक क्या करता है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था, जो लगभग 3 मंथ्स के पीरियड पर कंडक्ट किया गया था एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉपरेशन की बात की गई थी, चाहे जर्नलिस्ट की बात करिए, स्कॉलर्स की बात करिए, पाँचों कंट्रीज के द्वारा ट्रेन किए गए एंड लोगों को बताया गया। 2015 से जब से आपका ये मीडिया फोरम लॉन्च हुआ है, 4 फोरम्स एंड 5 प्रेसिडियम मीटिंग्स आपकी बीजिंग, केप टाउन, साओ पोलो में हो चुकी है। प्रेसिडेंट जी की बात करते हैं, जो जी हुआ न्यूज एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा एज द वर्ल्ड एंटर्स येट अनदर पीरियड ऑफ टर्बुलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिक्स मीडिया नीड टू इंजेक्ट मोर पॉजिटिव एनर्जी इन टू द वर्ल्ड, फर्दर एक्सपैंड द स्पेस फॉर एक्सचेंज, कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन। अब बेसिक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कोई भी बात कही, ठीक, या पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल के बारे में कुछ आपने
कह दिया। ठीक, आपने वो बात कही, 10 लोगों ने सुनी, 15 लोगों ने सुनी, 20 लोगों ने सुनी। ठीक, कल अगर किसी ने उस बारे में बात नहीं की तो वो बात धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट हियर कम्स द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया अगर उसी बात को बार बार न्यूज़ चैनल में दिखा रहा है, नहीं आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, क्या आप जानते हैं उनके कहने का मतलब क्या था, तो हो सकता है उन्होंने वो एक लाइन कही हो। ठीक, हो सकता है उसका उतना ड्रास्टिक इम्प्लीमेंटेशन ना रहा हो, बट क्योंकि मीडिया ये क्या चीज़ कर रहा है, इस चीज़ को नेगेटिव शो कर रहा है अपनी TRP बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जिसका कोई अफेक्ट नहीं होने वाला था। मान लीजिए मीडिया ने उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया कि इनकी बात का ये मतलब हो सकता था, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा। तो इसीलिए ब्रिक्स को कहा जा रहा है कि किस तरीके से वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस का टाइम दिख रहा है, हम किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को इंडक्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कोऑपरेशन कर सकते हैं एक दूसरे का, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक, ये बेसिक अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो ब्रिक्स पार्टनर हैं इन्होंने ये भी कहा, लीड द ग्लोबल चार्ज इन द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्या करेंगे, जो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा उसमें ग्लोबल चार्ज को क्या करेंगे, अटेन करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, 20-bed आर्मी मेडिकल फैसिलिटी एट गलवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर आप सोचेंगे मेडिकल फैसिलिटी बना दी गई गलवन में तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो आपको आर्मी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, दूसरी चीजें, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, वेरी गुड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है, 2020 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो क्या हुआ था 2020 में, नहीं जानते हम, पता नहीं क्या हुआ था। चलो गलवन वैली की बात करते हैं, गलवन वैली आपने सुना होगा, वहाँ पर इंडिया एंड चाइना के आर्मी के बीच में आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिला है। ठीक, लगभग 20 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी जब चाइनीज आर्मी ने लद्दाख के गलवन वैली में क्या किया था, फेस ऑफ किया था। अब मेन चीज़ क्या थी कि उतने हाई एल्टीट्यूड पर कोई भी हॉस्पिटल बना नहीं हुआ है, तो जो उनको फर्स्ट एड मिलना चाहिए था वो शायद उनको नहीं मिल पाया। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कहा है, 20-bed की फील्ड ड्रेसिंग स्टेशन को सेटअप कर दिया है। ये एडहॉक मेडिकल फैसिलिटी, एडहॉक मतलब क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए काम करेगा। ठीक, रेगुलर फील्ड हॉस्पिटल की तरह नहीं होता है। एंड ये गलवन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पर ऑपरेट करने वाला है। ठीक, हर तरीके का ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, बट थोड़ा सा छोटे स्केल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, नाउ अब यहाँ पर हमारे लिए, हमने देखा ये चीज़ बनी हुई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो टीम है, जून 2015 में जब गलवन का इंसिडेंट हुआ था, 2020 में तो 20 सोल्जर्स हमारे मार दिए गए थे। ठीक, तो क्या हुआ था, पगोंग लेक की बात करते हैं, पगोंग लेक एक ऐसा एरिया जिसको अगर आप देखेंगे ना, इस तरीके का कुछ लेक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं। ठीक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, सर्टेन फिंगर्स तक चाइना अपना क्लेम करता है, सर्टेन फिंगर्स तक इंडिया अपना क्लेम करता है। अब इतने हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, पेट्रोलिंग आपको करनी होती है। ठीक, आप सोचिए इतना बड़ा ट्रेन है, पहाड़ पर ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, एंड यहाँ पर पेट्रोलिंग करके ही आप अपनी टेरिटरी को क्या कर सकते हैं, सोवरन बना के रख सकते हैं। ठीक, अपने बेसिकली अंडर में रख सकते हैं। तो ये जो पगोंग लेक वाला एरिया है, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेसिक न्यूज़ में था, क्योंकि पेट्रोलिंग ना होने की वजह से चाइना ने अपना एरिया आगे फिंगर्स तक क्लेम कर लिया था, अपने टेंट्स वगैरह बना दिए थे। आपने देखा होगा मीडिया वाले बहुत दिखा रहे थे कि ये चाइना ने अपना ये बना लिया है, पूरा बेस बना लिया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें थी, एंड उसी वजह से स्टैंड ऑफ हुआ, तो सारी चीज़ें देखने को मिली है। एंड इसीलिए पैरामेडिकल टीम की बात करते हैं, डॉक्टर को हमेशा वहाँ पर स्टैंड बाय में रखा जाएगा पेट्रोलिंग यूनिट्स के साथ में। कौन सी पेट्रोलिंग यूनिट्स, जो बार बार इस लेक या जो भी आपका LEC या बेसिक बॉर्डर का इलाका होता है वहाँ पर आते जाते क्या करते रहते हैं, घूमते रहते, देखते रहते कि कोई घुसपैठ तो नहीं देखने को मिल रही किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। मैंने फिर अगेन आपको कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो स्टैंड ऑफ पॉइंट्स है इंडिया एंड चाइना के बीच में वो आपको मुझे बताने हैं। गलवन वैली की बात आप कर सकते हैं, पगोंग लेक की बात आप कर सकते हैं, फिंगर पॉइंट की बात कर सकते हैं, डोकलाम वाला इशू ले सकते हैं। तो आपको मुझे बताना है कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैंड ऑफ पॉइंट्स हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का मैप बनाइए, लद्दाख का मैप बनाइए, एंड उसमें आपको क्या करना है, ये लोकेट करना है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का मैप बनाइए ना, UT कन्वर्ट हो चुका है तो आपको लद्दाख के मैप में इसको टॉप से लेके बॉटम तक आपको शो करना है। दूसरा दौलक बेक ओल्डी आपको शो करना है, श्योक रिवर उसमें शो कर दीजिएगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको क्या करनी है, मैप पे लोकेट करनी है। नाउ आर्मी नीड्स न्यू यूटिलिटी व्हीकल्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स की बात करते हैं, वो किस प्रोसेस में है, मेजर ऑगमेंटेशन की। क्या चीज़ को ऑगमेंटेशन की करेगी, फायर पावर में, यानी जो भी आपके इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनको इंडियन आर्मी अपने उसमें क्या करने वाली है, इंडक्ट करने वाली है।
ठीक बेसिकली एंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग कब होगी 2024 में। अभी बेसिक अगर आप देखेंगे तो चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में ये बेसिकली लाइफलाइन का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक अगर आप देखेंगे तो हेल्प एड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बट इसमें से 190 में से 134 की बात करेंगे तो लगभग जो 70% है वो 30 साल पुराने आ चुके हैं, है ना। मशीन्स अगर आपने कोई इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि आप जब GDP कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो GDP वो एक्चुअल GDP नहीं होती। क्यों? उसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ माइनस करते हैं। ठीक, जब आप एक्चुअल बेसिकली किसी कंट्री का टोटल इनकम निकालते हैं तो उसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपने कार आज खरीद ली है, कार की वैल्यू 10 साल बाद बहुत डिग्रेड हो जाएगी। क्यों? उसके मशीन पार्ट खराब होने लगेंगे एंड उसको अगर आपको वापस यूज़ करना है तो उसमें आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है 30 साल हो चुके हैं, ये भी डेप्रिशिएट हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉम्बैट पोटेंशियल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? सर्विलेंस कैपेसिटी बढ़ चुकी है क्योंकि हमने KA-2260 जो इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उसको क्या कर दिया है, इंडक्ट किया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया था इंडक्ट किया गया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ अगर अभी हम देखते हैं तो रशिया की जो बात थी डील हमारी 200 KA-226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, वो स्टक है क्योंकि आपको पता है हम बार बार देख रहे हैं रशिया अभी खुद वॉर में है, तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले रशिया क्या करेगा, अपनी आर्मी को क्या करेगा, वो चीज़ प्रोवाइड करेगा ना, उसके बाद इंडिया को देगा। तो ये डील भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कैंसिलेशन के पार्ट पे आ गई है। ठीक, एंड क्योंकि ड्यू टू द वॉर विद द यूक्रेन। आर्मी एंड एयरफोर्स की बात करते हैं तो उनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है 400 हेलीकॉप्टर्स की देखने को मिल रही है। LCH स्क्वाड्रन की बात करते हैं, जून 1 में आर्मी ने क्या किया, पहला LCH स्क्वाड्रन जो बेंगलुरु में है उसको रेज किया। ये ईस्टर्न कमांड में जाएगा जो अगले साल तक क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। कैबिनेट कमिटी ने सैंक्शन कर दिया है कि हम 39 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को US से खरीद सकते हैं। ठीक, IF ने लगभग 22 अपाचेस खरीद लिया है क्योंकि ये जो डील थी आपकी सितंबर 2015 में ही साइन हो चुकी थी एंड फर्दर और अपाचे प्रोक्योरमेंट्स की बात की जा रही है। अगस्त 2021 में जो आर्मी एविएशन है वो कंट्रोल ले लेगी आर्मी के अनमैन्ड एरियर व्हीकल का, उनको कंट्रोल मिल चुका है जो बेसिकली आर्टिलरी के अंदर में थे। ठीक है, सो ये इंडिया के कहीं ना कहीं पावर्स को दिखा रहा है, ठीक है, कि इंडिया में कौन कौन से बेसिक आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, कौन कौन से आपके अगर आप देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। रशिया के साथ हमारी डील क्यों फाइनलाइज नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फिगर्स को आप अपने मेन आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट कैन बी एज इन द प्रीलिम्स आल्सो। आर्मी एविएशन की बात करते तो अभी 190 चीता एंड चेतक चीतल हेलीकॉप्टर्स आपको ऑपरेट करते हुए दिखते हैं। ओल्डेस्ट अगर आप देखेंगे तो 50 साल पुराना भी हमारे पास है। ठीक है, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, आर्मी की फ्लीट के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, CPW फेसेस साइबर अटैक्स, रिटेरेट्स नॉर्म टू स्टाफ। साइबर अटैक आपको पता है, आप सिस्टम पे बात काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रखी है गवर्नमेंट की एंड उस गवर्नमेंट की ऑपरेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कोई अटैक करके चुरा लेता है। ठीक है, अटैक करके कोई चुराएगा, दैट इज साइबर अटैक। आपने इंटरनेट के थ्रू उसमें अटैक किया एंड उस इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, दैट इज साइबर अटैक। आप कोशिश कर रहे हैं वो करने की, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक, इन्होंने फेस किया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सो अर्का देव आज आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, CPWDE के बारे में आपको देखना है, इन्होंने टोटल वार्न कर दिया कि यहाँ पर आपको लगातार साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो साइबर अटैक की डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे रेफरेंसेस अलग 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 जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके द्वारा भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से टारगेटेड अटैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार बेसिकली पिछले मंथ्स की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, एंड दिस इज रिगार्डिंग दैट कि अभी इस पर बहुत सारा काम होना बाकी है। टाइमली मैनर में किस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं वो लगातार डिलेड होती चली जा रही है, ऑफिशियल दैट वो सारी हियरिंग। ऑफिशियल मेमोरेंडम की बात करते तो उन्होंने एम्प्लॉई को इन्फॉर्म किया है कि CPWD कैन नॉट क्वेश्चन द फाइंडिंग्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज हु आर ट्रैकिंग सच इंसिडेंट्स। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। रिटरेटिंग अर्लियर गाइडलाइंस इंक्लूडिंग वन इश्यूड ऑन May 13, CPWD आज एम्प्लॉइज टू फॉलो द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, एनी कॉन्सिक्वेंसेज arising out of such delay shall be the responsibility of official consequence. अब basically CPWD ने employees को कहा है कि जो भी cyber security measures बताए गए हैं उसको आपको follow करना है, अगर इसके बाद भी इस delay की वजह से अगर आपको कुछ भी consequences देखने को मिलता है तो जो official उस चीज़ से concern होगा ये उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। CPWD ने हिंदू को ये भी inform किया था, 1 or 2 such instances are being observed every month, मतलब अलग अलग offices में 1 से 2 incidents हर बार आपको देखने को मिल रहा है। Official said the CPWD has about 2000 offices across the country. ठीक है, तो हर ऑफिस अगर आप सोच रहे हैं 1 से 2 देखने को मिल रहा है तो लगभग 4000 complaints,
4000 अटैक्स आपको लगातार देखने को मिल रहा है। ये भी बताया गया है कि जो सर्टन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम वो लगातार इन अटैक्स को क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि जो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्टन, ये क्या करती है, साइबर अटैक जो भी ऑफिशियल बेसिकली वेबसाइट्स में देखने को मिलते हैं उसको ट्रैक करने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो फंक्शन करती है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, एंड CPWD ने क्या किया है, ये बहुत सारे जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स है पास्ट में उसको भी कैरी आउट किया। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में साइबर अटैक्स में जो मिलने भी आपको CPWD में देखने को मिल रहा है। सोन एरिया ऑफ पैडी राइजेस मार्जिन, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोन एरिया ऑफ पैडी राइजेस मार्जिनली, यानी जो पैडी की बात करते हैं, पैडी जितने एरिया में क्या की जाती थी, उगाई जाती थी, वो थोड़ा सा बढ़ गया फिर, ठीक है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि द एरिया सोन विद पैडी रोज मार्जिनली फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस वीक बट वॉज 23.95% लेस देन इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, यानी पिछले हफ्ते के कंपेरिजन में अभी वो एरिया बढ़ चुका है। बट अगर हम सेम चीज़ को पिछले साल से कंपेयर करें तो 23.95% का आपको क्या देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। ये जो डेटा है किसने कलेक्ट किया आपको पता होना चाहिए, क्रॉप डिवीजन ने, जो आपके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने आती है, जुलाई 8 तक का डेटा है। ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है एरिया कवरेज में 2021 की फिगर में इज 22.7 लाख हेक्टेयर, यानी इतना आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ब्लैक ग्राम की बात करते हैं, येलो स्प्लिट पीजन की बात करते हैं, ये क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, यानी जो आपका काला चना की बात करते हैं या जो आपकी स्प्लिट पीजन जो होती है दाल, उसके एरिया में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। जो ग्रीन ग्राम है जिसको मूंग दाल कहते हैं, उसका जो कल्टीवेशन है वो 37.47% बढ़ चुका है, एंड बाकी पल्सेज जो हैं वो 135.12% क्या कर चुके हैं, इंक्रीज कर चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान का रखना है ये फिगर्स, कितना परसेंट पिछले साल के कंपेरिजन में पैडी सो कम हुआ है, कितना परसेंट आपके ग्रीन ग्राम में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कितना आपके बेसिकली पल्सेज या ग्राम ब्लैक ग्राम की बात करते हैं तो उनके उसमें सोइंग में कमी देखने को मिली है। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं कि ब्लैक की सोइंग में क्या हुआ है, इंक्रीज देखने को मिला है, नहीं, वो डिक्रीज हुआ है। मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो वो मेंटेन कर रहा है दैट इट इज टू अर्ली टू सजेस्ट अ डिक्रीज इन पैडी कल्टीवेशन। ठीक, इस खरीफ सीजन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर अभी क्या कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने कि बहुत जल्दी हम बता दे रहे हैं, यानी ये अभी कोई टाइम नहीं है, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, पैडी का कल्टीवेशन और बढ़ेगा एंड उसके बाद हम आपको पूरी फिगर्स बताएंगे कि कितना इस टाइम पे आपका कितना आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें वाटर और फर्टिलाइजर्स की कमी देखने को मिली है एंड इसी वजह से जो आपके किसान है वो आपकी पैडी को कम सो कर पा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो स्कार्सिटी जो रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है उसका क्या है, जुलाई 1 तक जो आपको डिक्रीज इन एरिया देखने को मिला है वो 27% है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो उन्होंने 6.1 लाख हेक्टेयर्स की कमी देखने को मिल गई है, पंजाब में 4.8, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 4.6 आपको देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है, 22.4 लाख हेक्टेयर्स का डिक्रीज देखने को मिला है सारे खरीफ क्रॉप के क्या करते हैं बेसिकली क्या कहते हैं उसको सो में ना सो करने में दैट इज उसको उगाने में जो कहते हैं। राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 25 लाख हेक्टेयर्स बढ़ा हुआ दिख रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स, आपको स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर इंक्रीज हुआ है कहाँ पर डिक्रीज हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑयल सीड कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो टोटल ऑयल सीड्स हैं डिक्रीज इन कल्टीवेशन आपका मोर देन 20% देखने को मिल रहा है। ग्राउंडनट सोयाबीन की बात करते हैं तो ये 18.95 एंड 21.74, यानी ग्राउंडनट आपका लगभग 19% एंड सोयाबीन आपका 21.74 कल्टीवेशन का कम देखने को मिल रहा है। फार्मर्स की बात करते हैं, सीम टू हैव प्रेफर्ड टू सो सनफ्लावर, यानी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना गया है कि उन्होंने सनफ्लावर सीड्स पर्टिकुलर करी है, ग्रो करी है खरीफ सीजन के टाइम पे एज इट्स कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज। क्यों? क्योंकि उसका कल्टीवेशन 43%, यानी उन्होंने क्या किया, पैडी को छोड़ के जो आपकी सनफ्लावर सीड्स है उसको बेसिकली उगा लिया है। कोर सीरियल्स की बात करते हैं यानी जो मोटे अनाज होते हैं जिसमें बाजरा की बात करते हैं तो उसमें 79.26% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ज्वार रागी मेज एंड जो छोटे मिलेट्स होते हैं उसमें आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये यूपीएससी के अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें पूछा जाता है, ठीक, क्या ट्रेंड है आपका। सेंट्रल की बात करते हैं तो स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि आप पैडी के कल्टीवेशन को बढ़ाइए, है ना, धान ऑब्वियसली बात है चावल लोग ज्यादा खाएंगे, ठीक, क्योंकि ग्लोबल जो डिमांड है फूड ग्रेन की वो बढ़ती चली जा रही है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है
कोर सीरियल की बात में उसको भी इंक्रीज किया जाए। इंक्रीजिंग जो प्राइजेस हैं एडिबल ऑयल्स की, वो बेसिक क्यों हो रहा है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस होता चला जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जितने भी आपके तेल वेल चीज़ें होंगी उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है डॉलर आपको देना पड़ेगा, यानी फॉरेक्स रिजर्व कम होगा, रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती चली जाएगी और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए सारे इनिशिएटिव से लिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यूज। रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगा, आपके रेवेन्यू को रिड्यूस करेगा। जो ग्लोबल ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल चेंजेस लेके आ सकता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस लेके आ सकता है इंडिया के लिए एंड जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे रशिया, ब्राज़ील, चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस है वो रेवेन्यू है बेसिकली कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से, यानी जो पैसा इनको मिलता है रेवेन्यू, आपको पता ना सरकार की इनकम, सरकार की इनकम कम हो जाएगी अगर सरकार फॉसिल फ्यूल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होगा, ठीक। ये एक स्टडी निकाली है किसने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IISD की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगी तो उनका जो रेवेन्यू है, जो उनकी इनकम है, वो कम हो जाएगी। दो, इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडिया क्या करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नेट इंपोर्टर की तरह काम करता है। ये बहुत ही कम रेवेन्यू बेसिकली कमाता है, किसके थ्रू, सेस और टैक्स लगा के, यानी पेट्रोल डीजल और ऑयल से हमारी जो सरकार पैसा कमाती है वो सिर्फ टैक्स के थ्रू कमाती है। स्टडी ने ये भी पाया है 2050 तक जो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल का रेवेन्यू होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया में, वो 570 बिलियन तक जा सकता है, जो किसी भी बिजनेस सिनेरियो की बात करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ये जो वाइडेस्ट गैप देखने को मिल रहा है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 178 बिलियन डॉलर्स का, चाइना में 140, रशिया में 134। पब्लिक रेवेन्यूज की बात करते हैं जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन से एंड कंजम्पशन से देखने को मिलती है, वो जनरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 34% बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है रशिया में, इंडिया में 80%, 16% इंडोनेशिया में। ये जो शेयर है 8% ब्राज़ील में, 6% साउथ अफ्रीका में आती है एंड दिस इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिव्यूज। जो पहला ऑर्डर का आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिव्यूज देखने को मिलता है उसी का पार्ट दिखाने को मिल रहा है। कंपैरिजन की बात करते हैं तो जीडीपी का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन आपका देखने को मिल जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज में। नाउ ये जो फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू स्ट्रीम आपको देखने को मिल रही है IISD रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये अनरिलायबल है और इराटिक है, ठीक। यानी जो नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट्स आपके फॉसिल फ्यूल यूज से हैं, जो हेल्थ कॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से, या जो डैमेज देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन सबसे आपको ये बेसिक क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल में आते हैं, यहां पर आपको एक और चीज करनी है, IISD के बारे में देख लेना है, ठीक है। नाउ IIT कानपुर सेटिंग अप एयर क्वालिटी सेंसर्स। अब बेसिकली एयर क्वालिटी को, एयर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए रूरल इंडिया में IIT कानपुर क्या करेगा, 2.5 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट लेके आया है ताकि 1400 सेंसर्स वो लगा सके जो उत्तर प्रदेश एंड बिहार उनके रूरल ब्लॉक्स में। 3 साल का प्रोजेक्ट होगा, पायलट प्रोजेक्ट। आपको पता है ना, जब किसी चीज को हम टेस्टिंग के लिए सब डालते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए डालते हैं एंड इससे एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी 3 साल में हम पहले मॉनिटर करेंगे, उसके बाद अगर ये चीज़ अच्छे से काम करती है तो हम ऑल ओवर इंडिया, पूरे रूरल इंडिया में इसको क्या करेंगे, इस क्वालिटी सेंसर्स को लगा के वहाँ की एयर क्वालिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये जो आउटकम्स हैं फ्रॉम दिस नेटवर्क विल हेल्प लोकल कम्युनिटीज, ये लोकल कम्युनिटीज को हेल्प करेगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि पॉल्यूशन इस तरीके से है तो किस तरीके से पॉलिसी बनानी है। डेटा जो आएगा इस नेटवर्क से वो रियल टाइम बेसिकली मिल जाएगा एंड जो एक्शन बेस्ड प्लान होंगे, जो डिसीजन आपको लेना होगा वो इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। एयर पॉल्यूशन इंडिया की बात करते हैं तो लार्जली बेसिकली अर्बन ब्लाइट में देखने को मिलता है, जैसे बायोमास बर्निंग आपका हो गया, रिलायंस जो होता है डीजल जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड जो एयर क्वालिटी है विलेज की, वो इसकी वजह से क्या बढ़ती चली जाती है और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। नाउ 2019 की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा कब इसका ईयर है लॉन्च होने का, NCAP का 2019 है। यहां पर ये रखा था कि हम 2024 तक जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको 20-30% तक कम कर देंगे, बट पहले जो इसका एम रखा गया था वो 122 सिटीज में रखा गया था, ठीक। लॉन्च के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कमिट किया था कि वो उस नेटवर्क को बढ़ाएंगे, एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंसर को लेके आएंगे, बट बहुत ही कम प्रोग्रेस उसमें देखने को मिली है। बहुत सारे सिटीज की बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो लिस्ट है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में, उसमें इंडिया की सिटीज बहुत ज्यादा आती है। अगर आपको पता हो दुनिया के कैपिटल्स की बात करते हैं तो मोस्ट पॉल्यूटेड जो आपको कैपिटल देखने को मिलती है, मोस्ट पॉल्यूटेड जो कैपिटल देखने को मिलती है, दैट इज दिल्ली, ठीक। अब
पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये आपकी ओवरवेलमिंग सोर्स है एमिशन का। कंट्री के करंट एनुअल सेफ लिमिट की बात करते हैं तो कितनी है, पीएम जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है वो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, एंड जो पीएम 10 होता है वो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। बट एनसीएपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 375 लगभग करोड़ रुपए को प्रोवाइड किया गया 114 सिटीज़ को, ताकि हम क्या कर सकें, लगातार अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एनी जो प्रोग्राम है इसमें लगभग 700 करोड़ का क्या किया गया, एक तरीके से एलोकेशन किया गया 21 से 26 के बीच में, ताकि हम इसके ऊपर काम करके इन सारी चीज़ों को कम कर सकें। इसको कंटेन करने में अभी हम असमर्थ हैं, बिल्कुल भी बेसिक क्या कह सकते हैं, अभी हम केपेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा, दिस इज़ अ आर्टिकल, मैं आपको बता दूं। यहां पर सिर्फ हम थोड़ी सी चीज़ें ब्रीफिंग देख लेते हैं, ठीक है, एज सच पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिसर्च सेंटर्स की बात करते हैं, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, उन्होंने क्या कहा है कि जो इंपॉर्टेंट वर्क है या ओमिशंस की बात करते हैं उससे लगातार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को उसमें ओमिट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हमारे आयुर्वेदा के सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं तो आयुर्वेदा में जो भी आपको थियोरेटिकल थिंग्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको लिटरेचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आयुर्वेदा के ग्रंथ मिल जाएंगे, वहाँ से चीज़ें लेके हम उससे मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो प्रूफ हो चुकी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अगर आप अभी देखेंगे तो वो प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के ही उन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर सर्टन एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो क्या माना जा रहा था कि इंटेस्टाइन से बहुत सारी टैनी टैनी डक्ट्स होती हैं, वो लाके यूरिन को फिल कर देती है यूरिनरी ब्लैडर पे, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर आप अभी साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूफ, इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें किडनी का भी कहीं मेंशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है थ्योरेटिकल, एंड दूसरा आपका एपिस्टेमोलॉजिकल देखने को मिल जाता है, यानी ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, इलनेस की बात करते हैं, थेरापेटिक मेजर्स की बात करते हैं, इसको बहुत ही बड़े स्तर पर मेजर करने की ज़रूरत है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो उसमें अगर आपने देखा होगा, आपको एक आर्टिकल भी मिला होगा जिसमें पतंजलि के बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीज़ों की एक रिसर्च की ज़रूरत है ना, अगर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज़ का पहले रिसर्च हो, जो भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट जिस भी आयुर्वेदा के पार्ट से आप लेके आ रहे हैं उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग दैट है, अगर आप चाहें तो अभी रीड कर सकते हैं, बट आई हैड इंक्लूडेड, बट एज सच यहाँ पर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या इसकी वर्किंग है, वो आपके देखने की जरूरत है। बाकी आज के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने कवर कर दिए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।